हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्योस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं पायरिया के बारे में बात करने वाली हूँ। पायरिया का मतलब होता है आपके मसूड़ों में से पस निकलना, आपके मसूड़ों में सूजन होना, आपके मसूड़ों का लाल पड़ना। तो मसूड़ों से संबंधित इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ और उसकी बहुत सारी कुछ अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पायरिया क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो अगर हम दांतों की ठीक तरीके से रोज़ाना ब्रश नहीं करते हैं या ब्रशिंग नहीं करते हैं, उसे ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, एक दिन में हमें कम से कम 2 बार हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक शाम को सोने से पहले जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं तब, उसके बाद सोने से पहले भी हम ब्रश कर सकते हैं। तो अगर 2 बार हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छे तरीके से ब्रशिंग नहीं करने की वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो टूटने लगते हैं, हमारे दांतों जो है खोखलापन आ जाता है, उसमें कीड़े लगने लगते हैं और खोखलापन आने की वजह से वहाँ पे जो मसूड़े होते हैं वो सड़ने लगते हैं, वहाँ से खून निकलता है, पस निकलता है, जिसे हम पी भी कहते हैं हिंदी भाषा में। तो वहाँ से पस निकलने लगता है और बहुत ज़्यादा मुँह से बदबू आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है और दांतों से संबंधित भी हमें कई सारी प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे जो टीथ होते हैं उसमें पेन होने लगता है। तो इस तरीके की सारी ओवरऑल जो सिम्टम है ये सारे हमको पायरिया में देखने को मिलते हैं। और अगर इस तरीके की कंडीशन हो रही है, उसे ठीक समय पे यदि हम ठीक नहीं करते हैं, उसे यूं ही चलने देते हैं और हमारे दांतों की या हमारे मसूड़ों की हम केयर नहीं लेते हैं, तो ये जो समस्या है वो आगे चल के पायरिया में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब शुरुआत जो होती है, हम ठीक तरह से अगर ब्रश नहीं करते हैं तो वहाँ पर कीड़े लगते हैं, उसके बाद में वहाँ पर हमारे जो दांत होते हैं वो खोखले होने लगते हैं, उसके बाद में फिर मसूड़ों में खून निकलता है, पस बनता है। उसके बाद अगर हम फिर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये कंडीशन हमारी जो है पायरिया में तब बदल जाती है या फिर उसकी पायरिया की उत्पत्ति हो जाती है। और जब कभी हमें पायरिया हो जाता है तो फिर हमारे जो मसूड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, पस निकलता है। और जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो हमें दर्द का एहसास होता है, या फिर हम कोई ठंडा पानी पीते हैं या हम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं या कुछ भी ठंडा यदि हम लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो पायरिया में हमें अक्सर देखने को मिलती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पायरिया हो गया है, आपके मसूड़े सूज गए हैं और उसमें से बदबू आती है, आपके मुंह से बदबू आती है और पस निकलता है, तो सबसे अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहली मेडिसिन जो होगी वो है मर्क सॉल। मर्क सॉल की 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में आपको उसका इस्तेमाल करना है। जब आपके मसूड़े सूख गए हैं और सूजन उसमें बहुत ज़्यादा आ चुकी है, उसकी वजह से मसूड़े जो है आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, मुलायम हो चुके हैं और आपके मुँह से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, ज़्यादा बदबू आती है, तब आपको मर्क सॉल का इस्तेमाल करना है। तो इसकी 6 पोटेंसी अगर आप लेते हैं तो इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। जब आप मर्क सॉल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो जो मसूड़ों में सूजन आई है, जो दर्द हो रहा है और जब वहाँ से खून या पस निकल रहा है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है, साथ में जो बदबू आती है मुँह से वो भी पूरी तरह से दूर हो जाती है। इसके बाद में हमारी अगली मेडिसिन है कैलुंडुला। इसे आपको 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको पायरिया हो चुका है, आपके मसूड़ों में से खून निकलता है, तब आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसूड़ों में पस भर गया है, जमा हो गया है और कभी कभी उसमें से पस भी निकलने लगता है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पायरिया हो जाता है तो कैलुंडुला जो मेडिसिन है इसका आपको काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहिए और उससे बहुत अच्छी कंडीशन जो आपकी मसूड़ों में जो आपकी पायरिया हो चुका है तो वो उसे ठीक करने में काफ़ी मदद करती है कैलेंडुला। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी हद तक फायदा मिलता है। इसके बाद में हमारी अगली मेडिसिन है काली कार्ब। अगर आपके मसूड़ों में सूजन आ चुकी होती है या किसी अन्य डिजीज़ की वजह से या दांतों की किसी और बीमारी की वजह से या शरीर में किसी और तकलीफ़ की वजह से यदि आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है या फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, तब को आपको काली कार्ब की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि मसूड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत जो होते हैं वो हिलने लगते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दांत जो है वो टूट भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मसूड़े जिनकी पकड़ होती है वो लूज़ हो चुकी होती है, तो वहाँ से आपके दांत भी गिरने लगते हैं। तो अगर इस तरीके की समस्या होती है और साथ में पायरिया
आइडिया होता है तो काली कार की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना चाहिए। काफ़ी अच्छी रेमेडी होती है काली कार जब आपकी मसूड़े लूज़ हों और साथ में आपकी बहुत ज़्यादा पायरिया हो गया हो, पस आता हो, खून आता हो और साथ में लूज़ अगर वहाँ पर हो चुके हैं, आपके टीथ गिरते हैं, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी अगली मेडिसिन है स्टेफाइसेग्रिया। इसे आप 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी आपको मसूड़ों की समस्या होती है उस वजह से, यानी कि आपके जो मसूड़े होते हैं या गम्स जो होते हैं अगर वो सूजन उसमें हैं और वो बहुत ज़्यादा ढीले पड़ चुके हैं और उसके वजह से जब कुछ आपके कोई अन्य लक्षण जो नज़र आते हैं, कुछ अन्य समस्या उत्पन्न हो जाती है जैसे कि आपके दांतों की समस्या होना, दांतों को कालापन होना, बहुत ज़्यादा लार, अधिक मात्रा में लार का बनना, या फिर आपके जो तो दांत हैं वो खुरदरे हो जाते हैं, या आपके मुंह से बदबू आती है और मसूड़ों में से खून आता है या पस आता है, अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं, इस तरीके की समस्या होती है, तब स्टेफाइसेग्रिया जो है काफ़ी फायदेमंद होती है और काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है इस तरीके की कंडीशन में। तो अगर 6 पोटेंसी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो दिन में 4 बार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसकी 2 ड्रॉप्स जो है वो आपको डायरेक्ट टंग में लेनी है और जब स्टेफाइसेग्रिया का 30 पोटेंसी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इसकी 2 ड्रॉप्स को आपको दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। इस मेडिसिन को लेने से आपको काफ़ी फायदा होता है, काफ़ी लाभ मिलता है। यदि आपके मसूड़ों में सूजन होने की वजह से या मसूड़ों में कभी कभी ये देखा होगा आपने, एक फुंसी हो जाती है, वाइट वाइट कलर की आपको फुंसी नज़र आती है जिसमें कि काफ़ी दर्द होता है, अगर उसकी वजह से आपको मसूड़ों की तकलीफ होती है, मसूड़ों में सूजन आती है, खून निकलता है या पस बनता है, जब फुंसी में से यदि पस निकल रहा है या मसूड़ों में से कोई पस निकल रहा होता है, तो गन पाउडर जो है काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसकी 3x पोटेंसी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 3x पोटेंसी अगर आप ले रहे हैं तो इसको हर 4 घंटे में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गन पाउडर का काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगर आपको पायरिया होता है और जो लक्षण मैंने बताया अगर उस तरीके की कंडीशन होती है, तो गन पाउडर 3x पोटेंसी में आपको लेना है और हर 4 घंटे के अंतराल में आपको लेना है और तब तक लेना है जब तक कि आपकी समस्या जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। इसके बाद में हमारी अगली जो मेडिसिन है वो साइलिशिया। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करना है जब आपके मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों की समस्या होती है। इसके अलावा जब मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसमें स्पेशल एक ये चीज़ होती है कि जब भी आप कुछ ठंडा या गर्म लेते हैं तो उससे आपको आराम मिलता है, तब आप साइलिशिया मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है ऐसी कंडीशन में। तो साइलिशिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद आपको दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कभी फुंसी या फोड़े हो जाते हैं मुँह में कहीं पर भी या मसूड़ों में, तब भी ये मेडिसिन जो है काफी लाभकारी होती है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि आपकी समस्या है पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। यदि आपके मसूड़े जो है वो छिल जाते हैं या चोट लगने की वजह से या किसी और किसी वजह से यदि आपको वहाँ से खून निकलता है, तो क्रियोसोट जो मेडिसिन होती है काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगर उस वजह से खून निकलता है, पस बनता है, पायरे की समस्या है, तो क्रियोसोट जो है काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें आपके जो दांत होते हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं, दांतों में आपको दर्द होता है और कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ होती है, तो क्रियोसोट जो है काफ़ी अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसमें जो बदबू आ रही होती है आपके मुँह में से, उससे भी दूर करने का काम करती है। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना चाहिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं क्रियोसोट के। अगर आपको कभी टीथ में अगर कोई प्रॉब्लम है या टूथेक होता है या फिर आपको पायरिया की समस्या है, तो दोनों ही कंडीशन में क्रियोसोट जो है काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। तो मैंने आपको ऐसी 7 मेडिसिन के बारे में बताया है। अगर पायरिया की कंडीशन आपको होती है, पायरिया की समस्या आपको होती है, तो ये 7 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है काफ़ी अच्छी और काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। पर सभी मेडिसिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। सिम्टम वाइज ही आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और जो आपके मैच करते हैं सिम्टम, उसी हिसाब से आपको इस मेडिसिन को लेना है और उसको उसी तरह से लेना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई समस्या आपको होती है, सिम्टम आपको नहीं समझ में आते हैं कि किस सिम्टम में या किस तरीके की कंडीशन में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप के लिए नंबर दिया हुआ, आप मुझे चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। साथ ही मैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। मेरे
मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा, ताकि आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। इसके बाद मैं मिलूंगी किसी नई दूसरी किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।